परम शांति। अभी मैं ग्रेट 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 यूनिवर्स माना G3 यूनिवर्स के बारे में बता रहा हूँ। ये जो ग्रेट यूनिवर्स है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है, इसके अंदर G3 के अंदर G2 अनंत अनंत है, वो G3 वाले की क्रिएशन है। और G3 उनका जो रचयिता है वो सेंटर पॉइंट में, उसको एक लाइट स्वरूप में भी रहता है, जिनको निराकार कहते हैं। और उसके आसपास G3 का क्रिएटर आकारी रूप में अपनी शक्ति के साथ रहता है। उसके बाहर के लेयर 108 वालों का लेयर है, 108, 16,000, 9 लाख और 2 करोड़ का लेयर्स हैं परम 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 महाशक्तियों का, जो सारे G3 की ध्यान रखती हैं, G3 को चलाती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करती हैं। सारे G3 के अंदर जो G2 वाले हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ भी परम 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 महाविष्णु होते हैं, परम 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 महाब्रह्मा होता है, हर लेयर में होते हैं। इसके बाहर 6 लेयर हर हर यूनिवर्स में होते हैं, चाहे ग्रेट यूनिवर्स हो, G3 हो या G4, G17 तक, ये एक ही प्रकार के मिलेंगे आपको। 6 लेयर मिलेंगे आपको बाहर महाब्रह्मा के बाहर के, उसमें 3 अपने यूनिवर्स के लिए होंगे और 3 बाहर के घेरे में, 3 लेयर जो बाहर से टूरिस्ट आत्माएं हैं उनके लिए रखा जाता है। तो टूरिस्ट आत्माएं बाहर के घेरों में रहती हैं, आती जाती रहती हैं। और इनको जो टूरिस्ट आत्मा है, इनको G3 के बारे में चाहिए तो वो अंदर के घेरों से जाकर इन ब्रह्मा तक जाके इन्फॉर्मेशन लेती है, और सारा इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो सबको एक दूसरे को देते रहते हैं। और यहाँ जो वायुमंडल है G3 का वायुमंडल, उसमें 0.02 परम लाइट है, 2.5% परम तत्व है, और बाकी रहा वो 3 तत्व है। और उसमें स्थूल तत्व तो नीचे, यहाँ तो अब 3 तत्व ही कहेंगे, क्योंकि बाद में नीचे जो 5 तत्व माना जो जल और मिट्टी, तो हमेशा ही नीचे सोलर सिस्टम के ग्रहों में होती है। सोलर सिस्टम तो एकदम हर कोई में होता है, जैसे G3 है तो G3 के अंदर G2 है, G2 के अंदर G1 है, G1 के अंदर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है। तो ये सभी लगभग तो हर प्रकार का जो यूनिवर्स है, सेम मॉडल सेम पैटर्न से वैसे चलता है, मगर उसका क्रिएशन अलग अलग यूनिवर्स वालों ने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। इसलिए वैरायटी प्रकार के यूनिवर्स मिलेंगे, चाहे गैलेक्सी हो चाहे यूनिवर्स हो, अलग अलग तरह से बने हुए हैं, और कई बार वाइंड अप भी हो जाते हैं। जैसे गैलेक्सी अभी वाइंड अप होते हैं, यूनिवर्स भी वाइंड अप होता है, ग्रेट यूनिवर्स भी वाइंड अप होता है ऐसे समय आने पर। उसका समय लंबा होता है, मगर वाइंड अप तो कभी न कभी होता ही है परम।